Guys, today we will see exam pattern and syllabus of CTET. In the previous lecture, we have seen the syllabus, and now in this lecture, we will see the strategy to get 110 plus marks in CTET. So, we will see how to get good marks in CTET. सबसे पहला स्टेप ये होगा आप लोगों के लिए कि आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से देख लीजिए कि कैसा पैटर्न है, कैसा सिलेबस में आता है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, वो सब आप देख लीजिए. और कितने सेक्शंस में कितना वेटेज रहता है पर सेक्शन का, जैसे कि CDP 30 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स, EVS 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स एंड हिंदी 30 मार्क्स, सब 30-30 मार्क्स के आते हैं. तो आप पर सेक्शन का वेटेज देख लेंगे और उसका फॉर्मेट क्या रहता है. जैसे इंग्लिश में 15 नंबर जो आता है वो टॉपिक से रिलेटेड होता है, 15 नंबर आपके पेडागॉजी से रिलेटेड होता है. तो ये फॉर्मेट भी आप देख लीजिए सबसे पहले. दूसरे पॉइंट में जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या क्या, कौन कौन से क्वेश्चन कौन किस टॉपिक से हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे आप कवर करके अच्छे नंबर ला सकते हैं. जैसे CDP में प्याजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, NCF 2005 हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस. उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं उनके की पॉइंट्स बना लीजिए ताकि आप लास्ट टाइम उनको रिवीजन कर सकें. फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि आपको रोज़ एक मॉक पेपर भी देना है, जिससे कि जो कि आपकी गलतियाँ हो रही हैं जिस जगह पर, आप उस जगह पे उसको वर्क करिए उस पर. फिफ्थ पे आपको पैनिक नहीं करना है कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, उस चीज़ के लिए आपको पैनिक नहीं करना. आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रिपरेशन करनी है, ये नहीं कि आपने एक दिन किया, एक दिन मॉक पेपर दिया, एक दिन नहीं दिया. और सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे कि आपको रिविज़न और प्रैक्टिस रोज करनी है, ये नहीं कि ने एक दिन प्रैक्टिस किया अगले दिन छोड़ दिया. और रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपने जो भी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट लिखे या फिर जो भी की पॉइंट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करिए लास्ट टाइम में, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बन पाए. एंड द लास्ट, आपको पॉजिटिव रहना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है. एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है एक महीने का कि पर वीक आपको क्या क्या करना है. जैसे पहले हफ्ते आपको मेन मेन टॉपिक्स को लिखना है, क्या क्या आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर से देखना है, क्या इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना है. सेकंड वीक से आप मॉक पेपर लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके और भी जो गलतियाँ हो रही हैं उन पर आप वर्क कर सकें. तीसरे हफ्ते से आप ये देखिए कि जो आपकी गलतियां हैं वो सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उससे रिलेटेड आप वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए. और डेली आपको मॉक पेपर करना है, ये नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं आप. और बाकी आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पैनिक मत करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. गुड लक. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे कि हम अपनी वीडियोस में और सुधार कर पाएँ और आपके अकॉर्डिंग अच्छी वीडियो बना पाएँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.